संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणाम में सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। श्री तत्वात सूत्र के द्वितीय अध्याय की रिवीजन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। नौ रिवीजन की इस श्रृंखला में 26 कक्षाओं के सार को ग्रहण कर सकते हैं। आप अपने मित्रों परिवार के अन्य सभी लोगों को इस वैज्ञानिक वाचना से जोड़कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। आगामी 5 जून को इसकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी, जिसमें आप जीत सकते हैं आकर्षक उपहार एवं सर्टिफिकेट्स। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही कीजिए। इससे आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। क्वालिफाइड शंकाएं पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखी जाएंगी। इस कोर्स की सभी जानकारी के लिए विजिट कीजिए ttv.arham.yoga पर। इस कार्यक्रम के प्रसारण में पुण्यार्चक बनकर आप धर्म प्रभावना कर सकते हैं और पुण्य अर्जन भी कर सकते हैं। आप टीम अरहम को कांटेक्ट कर सकते हैं 9810436940 पर। तो चलिए अब हम मुनिश्री के चरणों में चलते हैं आज की रिवीजन कक्षा के लिए। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में द्वितीय अध्याय के सूत्रों में भावों का विवेचन चल रहा है। प्रत्येक प्राणी के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि हमारी आत्मा में कर्मों के कारण से कौन कौन से भाव उत्पन्न होते रहते हैं और हमें जो कुछ इस संसार में मिला है वह किन किन कर्मों के क्षयोपशम और किन किन कर्मों के उदय आदि से मिला है। इसी के आगे क्षयोपशम चारित्र और क्षयोपशम भाव के रूप में जो संयमा संयम है उसको भी समझना जरूरी है। क्षयोपशम सम्यक दर्शन को थोड़ा सा और समझने की एक चेष्टा करते हैं कि यही वो सम्यक दर्शन है जो एक लंबे समय तक हमारे साथ रह सकता है। और इस सम्यक्त में भी देखा जाए तो कर्म के उदय से ही ये सम्यक्त उत्पन्न होता है। सम्यक्त भी एक कर्म का नाम है। सम्यक प्रकृति एक कर्म का नाम है। उस कर्म के उदय में जो सम्यक दर्शन का परिणाम बना रहेगा, श्रद्धा हमारी सही तत्व पर बनी रहेगी, तो वह क्षयोपशम सम्यक दर्शन कहलाएगा। अब यह क्षयोपशम सम्यक दर्शन एक तरह से देखा जाए तो उपशम सम्यक्त की तरह तीन प्रकार के जो करण परिणाम होते हैं, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उनसे नहीं होता, किंतु दो करणों से भी संभव है। अधःकरण और अपूर्वकरण परिणामों से भी हो जाता है। दूसरी बात, क्षयोपशम सम्यक्त की प्राप्ति के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत से मतलब, उपशम सम्यक्त की प्राप्ति के लिए तो आत्मा को बहुत पुरुषार्थ करना होता है, बहुत मेहनत करनी होती है। 5 लब्धियों के रूप में जब तक हमारे परिणामों का ढलना संभव नहीं होता तब तक उपशम सम्यक्त होता नहीं। किंतु उपशम सम्यक्त होने के बाद जब सम्यक दर्शन के परिणामों से 3 तरह के एक मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं तो उन्हीं में एक सम्यक्त कर्म भी बन जाता है। उसी सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर, कर्म का उदय होने पर आत्मा में क्षयोपशम सम्यक दर्शन का भाव प्रकट होता है।
अब इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन में इतनी निर्मलता नहीं रहती जितनी कि उपशम सम्यक दर्शन में रहती है। क्यों नहीं रहती? क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन में तो सभी प्रकार के कर्म का उपशमन हो गया, केवल आत्मा का जो परिणाम है वो निर्मल होकर के प्रकट हो गया, इसलिए उसमें तो निर्मलता है। छायिक सम्यक्त में उससे भी ज़्यादा निर्मलता हो गई, क्योंकि उसमें तो सभी प्रकार के सातों ही कर्मों का अभाव हो गया। किंतु इस क्षयोपशम सम्यक दर्शन में निर्मलता बिगड़ती रहती है, इसमें दोष लगते रहते हैं, जिसे बोलते हैं चल मल अगाढ़ दोष। चल दोष का मतलब क्या होता है? लिखा जाता है, आचार्यों ने कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव वैसे तो वीतराग देव शास्त्र गुरु सबका श्रद्धान रखता है, तत्व का श्रद्धान रखता है, लेकिन उसके परिणामों में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो विचार करता है कि ये मंदिर मैंने बनवाया तो ये मेरा मंदिर है, ये वेदी मैंने बनवाई ये मेरी वेदी है, ये भगवान मैंने स्थापित किए ये मेरे भगवान हैं। समझ आ रहा है? इस क्षेत्र पर जाते हैं तो जो है यह क्षेत्र एक तरह से हमारे पूर्वजों का है तो ये मेरा क्षेत्र है, इस तरीके के उसके अंदर परिणाम उत्पन्न होते हैं। यद्यपि इन परिणामों से उसका सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन में एक चलन आ जाता है। चलन माने हाँ, स्थिरता नहीं रहना, चलायमान हो जाना। तो वह सम्यक दर्शन के परिणामों में उसके अंदर एक चलायमानपना आ जाता है, उसका दृढ़ निश्चय नहीं रहता। तो इसको आचार्यों ने कहा यह भी एक दोष है, इसको चल दोष कहा गया। अपने मंदिर आदि को अपना मानना और दूसरे के मंदिर आदि को दूसरे का मानना। अब हैं तो सभी मंदिर जिनेंद्र भगवान के मंदिर हैं, और मंदिर बनाने के बाद में भी सब लोगों को यही समझ में आने लग जाता है कि मंदिर तो हमने बना दिया लेकिन ये सबके लिए है, सबका मंदिर है। कह तो देता है लेकिन फिर भी उसके मन में ये मेरा है और ये उसने स्थापित किए, ये उसके भगवान है, ये उनकी वेदी में, ये उसके भगवान है, इस तरह का विचार उसमें जो चलता है इसको चल दोष कहा गया। अब ये सम्यक्त जो कर्म है, इस कर्म प्रकृति के उदय के कारण से यह चल दोष आत्मा में बना रहता है। सम्यक दर्शन बना रहता है लेकिन यह चल दोष के साथ बना रहता है। इसको इतना बुरा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे केवल बस थोड़ा सा दोष ही लगता है सम्यक्त में, लेकिन इससे सम्यक्त बना रहता है, सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। ऐसे ही मल दोष भी होता है, सम्यक दर्शन में मलिनता आ गई। कैसे आ गई? सम्यक दर्शन को मलिन करने वाले कोई भी जो भाव हैं, जैसे निसंकित निकांक्षित आदि जो भाव थे, इनके विपरीत कोई भी भाव अगर क्वचित कदाचित उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए सम्यक दर्शन में मलिनता भी आ जाती है। अथवा अनायतनों की सेवा इत्यादि करने का भाव, या कभी संपर्क में आने के कारण से जो अनायतन में मिथ्या अनायतन है उनके आश्रित रहने वाले जो पुरुष हैं, ऐसे जीवों के संपर्क में भी आने से जो दोष लग जाते हैं उसके कारण से उसमें कुछ मलिनता भी आ जाती है तो भी सम्यक दर्शन बना रहता है, ये कहलाता है मलिन दोष। और एक होता है तीसरा अगाढ़ दोष, है ना, गाढ़पना नहीं रहना। उसमें क्या होता है? तो उसमें भी इसी तरीके का भाव रहता है कि जैसे तीर्थंकर भगवान हैं तो सभी उसको पता तो है 24 तीर्थंकर भगवान हैं, लेकिन शांतिनाथ भगवान के पास जाएंगे तो वहाँ शांति मिलेगी, पार्श्वनाथ भगवान की आराधना करेंगे तो विघ्न दूर होंगे, मनसुब्रतनाथ भगवान की आराधना करेंगे तो सब व्यापार अच्छे चलेंगे, ऐसे करके जो है उसके अंदर भाव पैदा होते हैं। ये जो भाव हैं ये भाव भी उसके लिए एक भगवान के प्रति उसको अपनी आराधना में जोड़ देते हैं। यद्यपि वह कभी सरागी देवी देवताओं की पूजा आराधना नहीं करेगा, लेकिन वह अगर तीर्थंकरों में भी किसी तीर्थंकर को किसी निमित्त से देखता है तो उसके लिए यह अगाढ़ दोष माना गया, है ना, गाढ़ता नहीं उसके परिणामों में, सम्यक्त में दृढ़ता नहीं, इसलिए उसका जो है यह सम्यक्त प्रकृति के कारण से दोष लगता रहता है। जैसे दादाजी बूढ़े दादाजी होते ना, उनके हाथ में एक लठिया होती है, चलते तो अपने पैरों से ही हैं
लेकिन उस लाठी के सहारे चलते हैं, और वो लाठी अगर देखा जाए तो चलती भी रहती है, समझ आ रहा है, जहाँ रखी जाएगी वहाँ मैली भी होती रहती है, और जहाँ पे वो टिकाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा टिकती भी नहीं है, गाढ़ता भी नहीं आती है, तीनों ही दोष दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से सम्यक्त प्रकृति के कारण से आत्मा में सम्यक दर्शन तो बना रहता है, लेकिन ये चल मल अगाढ़ दोषों के कारण से वह सम्यक दर्शन बिल्कुल जो निर्दोष होना चाहिए वैसा नहीं रहता है। फिर भी ये बहुत अच्छी बात है कि कर्म भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर रहा है, समझ आ रहा है। आप तो बड़े जल्दी बोल देते हो ये आठ कर्म हमारे लिए बड़ा अहित करने वाले हैं, दुष्ट अष्ट कर्म का नाश होए, समझ आ रहा है। लेकिन इसमें भी देखो कौन कौन से कर्म हमारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। आज भी अगर इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में अगर किसी को सम्यक दर्शन रहता है तो यह सम्यक्त नाम का जो कर्म है इसी का उपकार है, क्योंकि इस कर्म का अगर उदय रहेगा तो ही आपके अंदर सम्यक दर्शन बना रहेगा। यद्यपि यह कर्म है तो दर्शन मुनि के वंश का, उसी वंश में तीन संतानें हुई, एक का नाम मिथ्यात्व, एक का नाम सम्यक मिथ्यात्व और एक का नाम सम्यक प्रकृति, समझ आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि एक संतान तो बहुत अच्छी है ना, और एक संतान जो है बिल्कुल राक्षस है, राक्षस का ही कुल है, मोहिनी कर्म तो राक्षस का ही कुल है, लेकिन राक्षस के कुल में भी कोई अच्छी संतान उत्पन्न हो सकती है, और अच्छे कुल में भी कोई राक्षस की संतान उत्पन्न हो सकती है राक्षस जैसी, ये तो कोई बात होती नहीं। तो इसी तरीके से एक दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े होते हैं, एक में अनुभाग शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि वो मिथ्यात्व जैसा ही बना रहता, दूसरे की अनुभाग शक्ति थोड़ी कम हो जाती है तो सम्यक मिथ्यात्व रहता, और तीसरे की अनुभाग शक्ति उससे भी कम हो जाती तो वो सम्यक प्रकृति का नाम का कर्म कहलाता। तो घात करने की उसमें क्षमता है, लेकिन उस के कारण से सम्यक दर्शन का नाश नहीं होता है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन अगर हमने अपने परिणामों से किया भी तो वो अंतर्मूर्त से ज़्यादा नहीं रहता, तो हमेशा सम्यक दर्शन कौन सा रहेगा, तो यही क्षय उपशम सम्यक दर्शन रहेगा, क्षायिक सम्यक दर्शन तो वर्तमान में होता नहीं। तो यही कर्म का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। कर्म का उपकार कैसे मान लें महाराज, ये मिल दुष्ट घनेरे है ना, हम किसी को भी एकांत रूप से दुष्ट ना कहें, दुष्ट ना समझें, कर्म में भी कुछ अच्छे कर्म हैं जिनके कारण से जगत को भी बहुत लाभ मिलता है और हमको भी बहुत लाभ मिलता है। एक कर्म जो हमें लाभ देने वाला है उसका नाम है सम्यक्त कर्म, और एक कर्म जो जगत को लाभ देने वाला है, तीन लोक के प्राणियों को लाभ देने वाला है, उसका नाम है तीर्थंकर नाम कर्म। कर्मों में भी कुछ कर्म भले हैं, है ना, अगर आपके भाव भले हों तो ऐसे भले कर्म भी आपके लिए अच्छा फल दे करके आपका हित करते रह सकते हैं। तो इन कर्मों के कारण से ही सम्यक दर्शन लंबे समय तक टिकता है। अब ये इस कर्म का देखो कितना बड़ा उपकार है, देव गति में हो चाहे नरक गति में हो, चाहे मनुष्य गति में हो चाहे त्रियंश गति में हो, अगर कोई लंबे समय तक सागरोपम काल तक पल्ल्योपम काल तक हजारों वर्ष तक कोई सम्यक दर्शन टिका है तो कौन सा, यही छह उपशम सम्यक दर्शन है ना। तो ये आपके लिए सरलता से भी मिलता है ना, ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। उपशम सम्यक दर्शन होने के बाद अगर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया तो ये लंबे समय तक आपके परिणामों में सम्यक्त के भाव को बनाए रखता है, आराम से मिलता है और लंबे समय तक रहता है। तीनों सम्यक दर्शन में अभी आपको किस सम्यक्त पे ध्यान देना, क्षय उपशम सम्यक्त पर, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, संयमा संयम और संयम ये भी क्षय उपशम भाव बताए गए थे, है ना, सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च, जो सूत्र के अंत में लिखा है। चारित्र का मतलब क्या है, जो चारित्र महाव्रतों के साथ होता है उसको यहाँ पर चारित्र कहा गया है। अब हम इस चारित्र के क्षयोपशम भाव को समझने के लिए भी थोड़ी सी कसायों के बारे में हम जानकारी ले लें। पहले प्रकार की कसाय कौन सी बताई थी, अनंतानुबंधी कसाय, ठीक है ना, क्रोध मान माया लोभ। इसके बारे में हम समझें कि यह जो अनंतानुबंधी कसाय है यह क्या काम करती है,
ये तो सम्यक दर्शन का घात करती है। यद्यपि यह कसाय चारित्र मोहिनी के वंश की है, लेकिन घात किसका करती है? सम्यक दर्शन का, है ना। तो इसके नाश होने पर कोई चारित्र प्रकट नहीं होता, किंतु इसके नाश होने पर सम्यक दर्शन ही रहता है, सम्यक दर्शन में ही ये सहायक है। इसलिए आपको बार बार बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में अनंतानुबंधी कसाय का भी उपशमन होना चाहिए, और अगर क्षयिक सम्यक दर्शन है तो अनंतानुबंधी कसाय का भी क्षय होना चाहिए, है ना। क्षयोपशम है तो भी ये दबी रहनी चाहिए। तो हम पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करें कि जो अनंतानुबंधी आदि कसाय हैं इनके काम क्या हैं। तो अनंतानुबंधी कसाय का कार्य है सम्यक्त्व का घात करना, ये नोट करके रखना, है ना। अच्छी बात है, कुछ बताने जा रहा हूं आपको, तभी आपको कुछ कर्म सिद्धांत की व्यवस्था समझ में आएगी। फिर आगे की कसाय है अप्रत्याख्यान कसाय, ये भी क्रोध मान माया लोभ के वेश से चार प्रकार की हो गई। इस कसाय के माध्यम से भी कुछ घात होता है, आत्मा के गुणों का घात होता है। तो कौन सा आत्मा के गुणों का घात होता है? इसका नाम है अप्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान माने होता है त्याग, और अ माने ईसत, माने थोड़ा त्याग। तो जो कसाय हमें थोड़ा भी त्याग न करने दे, या जिस कसाय के उदय में हमारे अंदर थोड़े भी त्याग के परिणाम पैदा न हो, उसका नाम है अप्रत्याख्यान कसाय। ये सभी कसायें हमारी आत्मा के गुणों का घात करने वाली हैं। तो अप्रत्याख्यान कसाय ने क्या आत्मा के गुण का घात किया? आत्मा का गुण क्या था? त्याग भाव, संयम भाव। लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा? तो हमारे अंदर ये कसाय है ना, और इस कसाय में भी जो हमने कल आपको बताया था कि दो प्रकार की शक्तियां हैं, अनुभाग शक्तियां, एक सर्वघाती और एक देशघाती। तो जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनके उदय के कारण से हम कभी भी उस से विपरीत जो गुण है उसका लाभ नहीं ले सकते। जब ये अप्रत्याख्यान कसाय है तो ये भी सर्वघाती हैं। अनंतानुबंधी कसाय भी कैसी है? ये भी सर्वघाती स्पर्धक को रखती है। अप्रत्याख्यान कसाय के भी स्पर्धक सर्वघाती हैं। आगे आने वाली प्रत्याख्यान कसाय उसके स्पर्धक भी सर्वघाती हैं। माने इन कसायों के उदय में आत्मा के जो गुण का ये घात कर रही है उसका थोड़ा भी प्रकटीकरण नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी के उदय में सम्यक दर्शन रह नहीं सकता। अप्रत्याख्यान कसाय के उदय में आत्मा में थोड़ा भी त्याग का भाव आ नहीं सकता। थोड़ा भी आप नियम लोगे, थोड़ा सा भी आप संकल्प लोगे, तो आपके अंदर यह कर्म की शक्ति कमजोर होनी चाहिए, तभी आप ले पाओगे। तो ये कसाय की शक्ति कम होने पर ही व्यक्ति थोड़ा सा व्रत ले पाता है। यहाँ थोड़े व्रत का मतलब वो नहीं है कि हमने रात में भोजन छोड़ दिया कि पिज्जा बर्गर छोड़ दिया, समझ आ रहा है कि नेल पॉलिश लगाना और लिपस्टिक लगाना छोड़ दिया, ये त्याग नहीं है। यहाँ अप्रत्याख्यान कसाय में कौन सा त्याग आएगा? जो 12 व्रतों के रूप में त्याग होता है, जिसे हम प्रतिमाओं का ग्रहण करना कहते हैं, जो श्रावक के व्रतों का निर्वाह करने के लिए व्रत लिए जाते, उस त्याग को कहा जा रहा है ना। चूंकि वह त्याग भी थोड़ा ही कहलाता है, पूर्ण त्याग तो किया नहीं, तो वह त्याग भी जो सम्यक दर्शन के बाद होएगा, उस त्याग को वह तभी कर सकेगा जब उसके अंदर अप्रत्याख्यान कसाय के सर्वघाती स्पर्धकों का अभाव होएगा। ये सब कसायें क्रम क्रम से ही काम करती हैं। ये भी समझ सकते हो कि इन चार कसायों में, कौन सी चार कसाय? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन, है ना। ये चार उसकी अलग अलग वैरायटी हैं। तो इन चार कसायों में यदि पहली वाली कसाय है तो समझना कि आगे की तीनों कसाय नियम से हैं, है ना। अनंतानुबंधी कसाय का उदय चल रहा है तो माने अप्रत्याख्यान का भी है, प्रत्याख्यान का भी है, संजुलन का भी है। अगर अनंतानुबंधी का अभाव हो गया तो किसका नंबर आ गया? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, ये सब कसाय का उदय एक साथ रहेगा। अप्रत्याख्यान का अभाव हो गया तो कितनी बची? प्रत्याख्यान और संजुलन। और प्रत्याख्यान का अभाव हो गया तो बची संजुलन कसाय। फिर प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, है ना, ये कसाय आ जाती है तीसरे नंबर पर। इसका काम क्या? प्रत्याख्यान माने त्याग,
पूर्ण त्याग, पूर्ण प्रत्याख्यान। ये कसाई के उदय में वह जीव कभी भी पूर्ण त्याग नहीं कर सकता। तो प्रत्याख्यान आवरण कसाई का काम क्या? संयम का घात करना। कौन सा संयम? सकल संयम। तो प्रत्याख्यान कसाय का भी अगर अभाव हो गया, सकल संयम ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रत्याख्यान कसाय का अभाव हुआ। अब कौन सी बची? संजुलन क्रोध मान माया लोभ। अब ये कसाय संयम के साथ बनी रहती है। और ये इस कसाय का काम क्या है? इस कसाय का काम है यथाख्यात चारित्र नहीं होने देना, जो कि ग्यारहवें गुण स्थान में होता है। तो वहां तक के लिए यह कसाय चलेगी, दसवें गुण स्थान तक। और वहां तक जो है, जो यथाख्यात चारित्र नहीं होगा उसके लिए यह बाधक बनेगी, लेकिन सकल संयम का पालन करने में संजुलन कसाय कोई बाधा नहीं पहुंचाएगी। जब परिभाषा बनाई जाती है तो आपको यह सब जानकारी में रखोगे तभी आप एक संयमा संयम की या संयम की जो छायोपशमिक भाव के साथ में परिभाषा बनेगी वो आप समझ पाओगे, ठीक है ना। तो ये सब मिलाकर के कसाई कितनी हुई? 16। चार चौको 16, क्रोध मान माया लोभ के भेद से चार चौको 16 हो गई। 9 कसाई होती हैं, है ना, जिन्हें हम थोड़ी छोटी कसाय कहते हैं, छोटी कसाय कहते हैं, वो 9 कसाय 9 होती हैं। हास्य रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये तीन तीन के, ये दो दो के तीन जोड़े हो गए, ठीक है ना। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद हो गई 9 कसाय। ये 9 कसाय होती हैं। अब देखो परिभाषा को अगर आप समझोगे तो क्षयोपशम भाव, जैसे हमने सम्यक्त की परिभाषा में समझा, ऐसे ही हम संयमा संयम की परिभाषा में भी समझें। पहले किसकी समझना? चारित्र पहले आया ना, तो पहले संयम की परिभाषा समझते हैं। चारित्र, चारित्र भाव कब होएगा? अब आप खुद भी बता सकते हो चारित्र भाव के लिए किन किन कसायों का अभाव आवश्यक है। सकल चारित्र, अनंतानुबंधी का भी। प्रत्याख्यान तक पहुंचो तो, पहले पहुंचोगे तो क्रम से ही, एकदम से प्रत्याख्यान पकड़ में थोड़ी ना आ जाएगी, है ना। ये तो चार कसाय ऐसे समझो, हमारे आत्मा में चार दरवाजे लगे हैं, एक एक दरवाजा तोड़ करके खोल करके आपको अंदर जाना है, तब आपको कुछ संयम मिलेगा, कुछ आपको चारित्र गुण की महक आएगी, है ना। चारित्र लेना तो क्या करना? प्रत्याख्यान को तोड़ दो। प्रत्याख्यान टूटेगा उससे पहले अप्रत्याख्यान और अनंतानुबंधी भी टूट जाएगा, है ना। तो अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये कितनी कसाय हो गई? 12 कसाय हो गई, ठीक है ना। इन 12 कसायों का अब देखो सिद्धांतिक भाषा में बोलना सीखो। सर्वघाती स्पर्धकों में क्या होता है? क्षयोपशम भाव घटित करना। इन सबके सर्वघाती स्पर्धकों को लेकर के हम क्या करेंगे? इनका क्षयोपशम करेंगे। तो कैसे करेंगे? इन 12 कसायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय, माने उदय में नहीं आने देना, और इनकी जो अवस्था है जैसी दबी हुई अवस्था है वैसी दबी हुई अवस्था बनी रहना, सदअवस्था उपशम। तो इसका नाम क्या हो गया? क्षयोपशम। अब जब इतना काम हो गया, ये तो दब गए, कुछ उदय में तो रहेगा, फल किसका मिलेगा? तो जो बची कसाय है, उस संजुलन कसाय में सर्वघातीपना नहीं होता, उसमें देशघाती स्पर्धक होते हैं। एक तरीके से स्पर्धक तो उसमें दोनों भी हो सकते हैं, देशघाती सर्वघाती, क्योंकि देशघाती प्रकृति है। तो उसके जो देशघाती स्पर्धक है, उन देशघाती स्पर्धकों का उदय रहेगा, कसाय का उदय तो रहेगा ही। जो सकल चारित्र ले लेगा उसमें भी कसाय का उदय है कि नहीं? कि नहीं होता? होता है। कौन सी कसाय का उदय होता है? संजुलन का उदय होता है, है ना। तो संजुलन कसाय का उदय, और उसके साथ साथ जो भी 9 कसाय हैं उनमें से भी किसी भी कसाय का उदय रह सकता है। इतना सब होने पर जो उसके लिए चारित्र भाव प्रकट होएगा उसका नाम कहलाएगा क्षयोपशम चारित्र। अब आप देखो कर्म की कितनी गहरी व्यवस्थाएं, कितनी सूक्ष्म व्यवस्थाएं और कितनी परफेक्ट व्यवस्थाएं, ये सर्वज्ञ के ज्ञान के अलावा कोई भी बताने के लायक नहीं है। सर्वज्ञ के अलावा न तो कोई कर्मों को देख सकता है, न उन कर्मों की ये क्षयोपशम आदि स्थितियां बनती उनको समझ सकता है। आप समझते हो हमने कर लिया, हमने कर लिया, आपने क्या कर लिया? आप कभी ये तो कहते ही नहीं कर्मों के कारण से हमने कर लिया।
अगर आपने चारित्र भी ले लिया, चारित्र भी कोई पाल रहा है, मान लो ये तो क्षयोपशम भाव वाला सकल चारित्र है, मुनि महाराज इस चारित्र को पाल रहे हैं, समझ आ रहा है, तो उन्हें भी ये ज्ञान में रहता है कि ये चारित्र का पालन मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये अहंकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी कर्म के क्षयोपशम से होता है। अगर कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो उसके अंदर विरक्ति का भाव नहीं होएगा। हो सकता है ऊपर ऊपर से वो ले ले, लेकिन भीतर से विरक्ति का भाव इस कर्म के क्षयोपशम के बिना नहीं आएगा। इसलिए इस चारित्र की अनुभूति भीतर से जिसको होती है तो वह समझता है कि इन कर्मों के क्षयोपशम के कारण से है। ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है कि नहीं। अपने भीतर के कर्म जिनको कि हम देख नहीं सकते, उनको दबाना, उनको क्षय करना, और उन कर्मों के अभाव से अपनी आत्मा के चारित्र को प्रकट करना, ये बड़ा काम है कि कोई भी एटम बम उठा करके किसी जगह पर डाल देना, ये बड़ा काम है। फिर क्या आएगा? संयमा संयम। तो संयमा संयम की परिभाषा बनाओ। अब किन किन कषायों का क्षयोपशम करना संयमा संयम के लिए? अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान, तभी तो थोड़ा संयम आएगा, उसी का नाम संयमा संयम है। चाहे देश संयम कहो या संयमा संयम कहो, एक ही बात है ना। तो थोड़ा भी संयम आया, कितनी कषाय का अभाव करना पड़ा? अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्याख्यान कषाय, इन आठ कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय और सदवस्था रूप उपशम, ठीक है। और बची हुई जो कषाय है उनका उदय, उनका क्या है? उदय। और जो नौ नौ कषाय हैं उनमें भी जिसका जैसे जिसका उदय होगा उसके अनुसार उसका यथासंभव उदय होने पर जो आत्मा में भाव आएगा उसका नाम क्षयोपशम भाव से सहित संयमा संयम कहलाएगा। इस तरह से भीतर कर्मों के क्षयोपशम से ही देश व्रत महाव्रत आदि ग्रहण किए जाते हैं। ये इतनी बड़ी कर्मों के क्षयोपशम से होने वाली प्रक्रिया है, ये क्षयोपशम भाव कहलाता है, औदयिक भाव नहीं है। अब देखो आप, औदयिक भाव कब था? जब हमने संयम नहीं लिया था, समझ आ रहा, या हमने संयमा संयम नहीं लिया था, तो वह नहीं लिया इसलिए कर्म के उदय में होने वाला वो भाव क्या कहलाया? औदयिक भाव, है ना। औदयिक भाव ही बंध का करने वाला है, माने असंयम से तो बंध होएगा, और संयमा संयम आएगा या संयम आएगा तो क्या होगी? कर्म की निर्जरा होगी। क्षयोपशम भाव कर्म की निर्जरा के लिए कारण होता है। कौन सा क्षयोपशम भाव? सम्यक दर्शन संबंधी क्षयोपशम भाव या चारित्र संबंधी क्षयोपशम भाव। क्षयोपशम सम्यक हुआ तो भी आपके लिए मिथ्यात्वादी कर्मों का संवर होगा, निर्जरा होगी, और जब क्षयोपशम चारित्र हुआ तो भी आपके लिए इन अनंतानुबंधी आदि बारह कषायों की निर्जरा होगी, इनका क्षय होगा। और अगर क्षयोपशम देश संयम हुआ तो भी आपके लिए आठ कषायों का अभाव होएगा, उदय में नहीं आने देना, उनका क्षय करता रहना पड़ेगा। ये सब जो है कषाय के अभाव से उत्पन्न होने वाली, इसलिए ये परिणतियां कहलाती हैं चारित्र या देश चारित्र। ये इसलिए सुनना जरूरी है कि बाहर से जो व्रत लिए जाते हैं वो व्रत तो उन कषायों के समन करने में, सर्वघाती स्पर्धकों के क्षयोपशम करने में कारण बनते हैं, लेकिन भीतर से जो चारित्र उत्पन्न होएगा वो चारित्र तो कर्म के क्षयोपशम से ही उत्पन्न होएगा। तो चारित्र या देश संयम या सम्यक दर्शन, ये कौन सा भाव हुआ? क्षयोपशम भाव हुआ, है ना। और मिथ्यात्व का उदय, असंयम भाव, ये कौन सा भाव हुआ? ये औदयिक भाव हुआ। इतना जान लो। अब आप ये बात बोलते हो, कभी कभी सुनने में आता है कि महाराज जो लोग चारित्र ले लेते हैं, देश संयमी हो जाते हैं, या थोड़े से भी व्रती प्रतिमाधारी हो जाते हैं, उनमें ज्यादा कषाय सी दिखती है, ज्यादा अकड़ सी दिखती है। कषाय मतलब
पहले से ज्यादा दिखती है या पहले से कम दिखती है? अब इसकी अनुभूति तो आपको होगी कैसे? या तो आपको यह पता हो कि वो पहले घर में कितनी कसाई करता था। अगर उसने कोई व्रत लिया, कोई भी संयम लिया, तो उसके अंदर जो कमी आई वो तो उसी को महसूस होगी ना। आप तो मान लो किसी प्रसंग विशेष पर देख सकते हो, लेकिन उस प्रसंग पर देख कर के भी आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर ये कसाय हमेशा रहती है। वो केवल उसी प्रसंग के लिए हो सकती है ना। मान लो आपने कोई बात कही और उस सामने वाले ने बात ना मानी, तो वो बात केवल उतने ही प्रसंग के लिए होगी। ऐसा तो नहीं कि वो हमेशा कोई कसाय बांध के रखता हो। बात ना मानना इसलिए भी हो सकता है कि वो उसके व्रत के अनुकूल ना हो। आप तो असंयमी ठहरे, आप अपनी बात असंयम के तरीके से ही मनवाओगे। सामने वाला अगर संयमी है तो वो आपकी बात तभी तो मानेगा जब वो बात उसके संयम के अनुकूल होगी। हर बात कैसे मान ली जाएगी? आप अगर कहोगे कि हमारी हर बात नहीं मानते तो ये बहुत जिद्दी है, ये बहुत कसाई करते हैं। इसका नाम तो कसाई नहीं है कि सबकी बात मान लेने का नाम बहुत निर्मलता हो जाती हो। समझ आ रहा है ना? तो कसाई की जो परिणति है वो अलग है। वो कसाई की परिणति इतनी तो नहीं होनी चाहिए कि वो देख करके सामने वाले को लगे कि यह व्रत के लिए शोभा नहीं दे रहा है। इतनी तो नहीं होनी चाहिए, तो मैं भी कहूंगा है ना कि वो जो है, जैसे मान लो कोई व्रती है तो वो बहुत ज्यादा तमतमा रहा हो, बहुत ज्यादा जल्दी से एकदम से गर्म हो जाता हो, बिल्कुल लाल पड़ जाता हो, है ना। तो ऐसा भी जो है किसी भी प्रसंग के लिए होना ठीक नहीं है ना। लेकिन अगर उसके इस कसाई में कमी आई है तो वह कसाई की कमी उसको खुद अनुभव में आती है। और हो सकता है कि पहले बहुत गुस्सा करता हो, जब से उसने व्रत संयम ले लिया हो तब से उसका गुस्सा थोड़ा सा रह गया हो, और वो उतना ही रह गया हो जितनी देर आप उनके साथ रहते हो। नहीं समझा? जब कोई साथ होगा तभी तो गुस्सा समझ में आएगी, जब कोई है ही नहीं है अकेले में क्या गुस्सा करेगा। समझ आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी भी व्रती संयमी के लिए ऐसा ना समझें कि व्रत संयम लेने से कसाएं और बढ़ती हैं। बढ़ती नहीं है, कसाएं घटती हैं। घटने का क्रम उसको पता होता है और वह कसाई की इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि पहले कितनी टाइम के लिए वो कसाई रहती थी, उसकी इंटेंसिटी कितनी होती थी, अब कुछ होता है तो वो कितने टाइम के लिए होता है। तो इस तरह की कसाई का नाम आत्मा की निर्मल परिणति ही है ना। वो व्रत के साथ में चलती है। तो संजुलन कसाई भी रहती है व्रत के साथ में, संयम के साथ में, लेकिन वो कैसी होती है? तो आचार्य कहते हैं कि वो कसाई बहुत मामूली सी होती है, अंतर मुहूर्त में ही उत्पन्न होकर के नष्ट हो जाती है। ऐसा नहीं दिन भर रहे कि महीने भर तक रहे, ऐसा नहीं, अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त माने कुछ सेकंडों में ही बस उत्पन्न होगी और शांत हो जाएगी। 48 मिनट तो बहुत हो जाती है, इतना भी नहीं रखती कोई। समझ आ रहा है ना? बस कुछ में वो जो मुनि है उनके लिए है ना, और जो वैसे गृहस्थ वाले देशव्रती हैं उनके लिए अगर बहुत बहुत होगी, बहुत बहुत होगी तो बात जो है कब तक चलेगी? 15 दिन से ज्यादा नहीं चलेगी। अनंतानुबंधी तो भव भव तक चलती है ना, वो 6 महीने से ज्यादा हो गई है ना। अप्रत्याख्यान का 6 महीने, तो ये कसाय 15 दिन से ज्यादा नहीं, प्रत्याख्यान कसाय। तो इस तरीके की परिणतियां भीतर रहते हुए भी व्रतों का पालन होने में कोई दोष नहीं होता। कई बार आप लोग ये चाहते हो कि व्रती को बिल्कुल भी गुस्सा ना आए या व्रती को कोई भी क्लेश कसाय ना दिखे, किंतु ये कसाय एक सामान्य से कोई व्यवहार में आने वाली हो सकती है, लेकिन भीतर उसके चारित्र परिणाम के लिए सहायक वो है कि नहीं ये आपको जानने में नहीं आ सकता है ना। तो किसी की बाहरी प्रवृत्तियों से हम उसके भीतर के चारित्र का कोई अंदाजा बहुत ज्यादा नहीं लगा सकते। अगर कोई बिल्कुल ही अनर्गल प्रवृत्तियां है, बहुत ज्यादा ही कसा है, तो एक बात अलग है। लेकिन जब कभी कहीं कुछ होता है तो उसको हम मुद्दा ना बनाया करें और उसको हम कोर्ट केस बनाने की कोशिश ना करें। बोलो महावीर भगवान की।
श्री जिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जन मन हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोख पदम पावई सासद मोख पदम पावई।